हेलो एवरी वन वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज गाइज दिस इज़ द लास्ट सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिगार्डिंग द टी आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट रिलेटेड टू द टी टी जो कि एक नॉन अल्कोहलिक विवरेज है एंड इट इज़ द अंडर द सिलेबस ऑफ यू पी एस सी जी आई सी बायोलॉजी ठीक है और अपना जो उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है उसके अंतर्गत जो बायोलॉजी की जो लेक्चरशिप की सीट्स आएंगी उसमें टी इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर द नॉन अल्कोहलिक बिवरेज कराप्स में इस तो हम इस पर बात करते हैं कि इन बिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी टी टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इस तो हम देखते हैं इंडियन वराइटीज़ हैविंग लार्ज लिप्स ओरिजिनेटेड नियर दी इ रेवर जो कि आसाम और मणिपुर के पास है कहने का मतलब है जो इंडियन वैरायटी डेवलप हुई हैं उनकी लिफ्ट थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उनका जो ओरिजिन हुई है वो आसाम और मणिपुर के पास एक जो रिवर है उसके पास हुई है सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि नारो लीफ टी इज़ ओरिजिनेटेड इन चाइना और नारो लीफ वाली जो टी है वो चाइना में औरिजिनेट हुई है थर्ड पॉइंट में कि सुरमा वैली ऑफ आसाम दार्जिलिंग जो कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल इस्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया जिन इन दोनों प्लेसेज़ के हाई एल्टीट्यूड एरिया जो हैं प्रोड्यूस एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ टी बट इल्ड इज़ लो मतलब इंडिया में आसाम की शुरुआली और नॉर्थ बंगाल जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें जो टी प्रोड्यूस होती है इंडिया में वो वेरी एक्सेलेंट क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी की होती है उस गुणवत्ता की और उसकी जो ईल्ड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है एंड फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि स्मॉल टी होल्डिंग्स मतलब इसके अलावा मतलब दार्जिलिंग और जो हमारे एरियाज हैं जैसे बंगाल तमिलनाडु और आसाम ये तीन स्टेट इंडिया के 96 परसेंट ऑफ टोटल टी प्रोडक्शन इन इंडिया इन उसके अलावा कुछ एरिया जैसे कि आपका झारखंड रांची देहरादून उसके कवाई डिस्ट्रिक्ट स्पेशली इन जगहों पर कुछ स्मॉल और कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश स्मॉल होल्डिंग मतलब यहाँ पर भी थोड़ा प्रचुर मात्रा में टी का प्रोडक्शन किया जाता है मतलब टी की कल्टीवेशन किया जाता है गाइस तो ये स्टेटमेंट जितने भी हैं मतलब ए बी सी एंड डी ऑल इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द टी ये सभी बातें सही हैं कि ओरिजिन कहाँ पे हुई है चाइना की जो टी होती है वो नैरो लीफ वाली होती है और इंडिया में सुरमा वैली जो आसाम बहुत फेमस है और दार्जिलिंग स्पेशली वेस्ट बंगाल स्पेशली हाई अल्टीट्यूड एरिया जो होते हैं यहाँ के अच्छी क्वालिटी की टी प्रोड्यूस करते हैं बट इनकी जो ईल्ड है वो कम होती है इसके अलावा तो स्मॉल होल्डिंग की अगर बात करें तो झारखंड देहरादून जो तो उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा वैली जो है स्पेशली ये स्मॉल होल्डिंग मतलब बहुत ही मतलब लो अमाउंट ऑफ द टी प्रोडक्शन एज रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया ये यह यहाँ पे कैरी करते हैं गाइस तो आई लव दब स्टेटमेंट आज करेक्ट सो ई ऑप्शन इज करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं कि विच वन इज़ इनकरेक्ट अबाउट द टी मार्फोलॉजी देखिए टी प्लांट की जो मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्पीरियंस उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं गाइज हम उन पर बात करने जा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें गलत स्टेटमेंट मतलब इसमें से कलेक्ट करना है तो पहला है कि अंडर नेचुरल कंडीशन इट इज़ एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन बुट सरप बुड सरप मतलब ये ट्री का जो प्लांट है ना तो हर्ब है ना ट्री है सिरप है और वो भी कैसा है बुडी थोड़ा सा मतलब इसमें जायरम फ्लोम का जो पार्ट्स होता है थोड़ा स्ट्रॉग होता है इसके बाद लिप जो होती है वो अल्टरनेट होती है अल्टरनेट लिप्स का मतलब लाइक स्टेम पे किस तरीके से दिस टाइप एलेप्टिकल्स एक साइज जैसे हम देखते हैं एटमिक किस तरीके से एलेप्टिकल्स टू लेंसुलेट विद टूथ मार्जिन उनकी जो मार्जिन होती है इस तरीके से होती है थोड़ी सी जैसे हम बात करते हैं दिस टाइप एंड वेराइटीज़ इनकलूड बोहा ब्रिडिस कैनोटेनाइज एंड माइक्रोफाइला ये जो है टी की वेराइटीज़ हैं एंड फोर्थ पॉइंट है कि फ्लावर्स आर आलमोस्ट कंप्लीटली फर्टाइल तो इसमें तो जो गलत स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है डी स्टेटमेंट इसमें यह कहा गया है कि जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं टी के गाइज वो इस्ट्राइल होते हैं मतलब इस्ट्राइल का मतलब हुआ कि वो अनफर्टाइल होते हैं जबकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि फ्लावर्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फर्टाइल फ़र्टाइल नहीं होते टी के फ्लावर जो होते हैं क्योंकि टी में फ्रूट्स नहीं आते टी का मतलब होता है टीकी लीप्स से तो फ्लावर नॉट कन्वर्टेड इन टू सीड्स सो और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लावर जो होते हैं फर्टाइल होते हैं इसका मतलब होता है कि टी के केस में फ्लावर जो होते हैं फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं भाई ये ऐसा नहीं होता क्योंकि टी का मतलब होता है टी की लीप्स और बड्स तो यहाँ पे जो लीफ फ्लावर्स होते हैं वो कंप्लीटली अनफर्टाइल जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं टर्म्स में स्ट्रायल होते हैं इस तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है डी क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस ये जनरल साइंस में बात कर सकते हैं टी गार्डन इन रांची रांची कहाँ पर छत्तीसगढ़ एंड देहरादून जो कि उत्तराखंड है इज नॉट प्रूव्ड इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बाय बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए हमारे इंडिया में जो टीका प्रोडक्शन होता है स्पेशली 16 डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है बट उनमें से केवल पांच डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पांच में से तीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें आपका आसाम वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आता है इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी छोटे मात्रा में टी ग्रो करी जाती है इसके अलावा कुछ कुछ अमाउंट जो नॉन कंसिडर है वो ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट में एलेवन डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर करी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट तीन डिस्ट्रिक्ट है आपको बता दिया तमिलनाडु केरला और आसाम उसमें आसाम नंबर एक पे है केरला नंबर दो पे और तमिलनाडु नंबर तीन पे इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि रांची और देहरादून में कुछ टी के गार्डन्स डेवलप किए थे फिर बाद में ये रिज़ल्ट आया कि वो इकोनॉमिकली नॉन प्रॉफिटेबल मतलब बंद हो गए वहाँ पर सक्सेस नहीं रहा तो उनके फेल होने के क्या रीज़न थे इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं जो उनके बता रहे हैं कि क्या रीज़न थे पहला है कि टी कैन नॉट वेदर लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेदर एट एनी टाइम ऑफ ईयर टी का जो प्लांट होता था वो बहुत ज़्यादा मतलब शेड लविंग होता है मतलब छाया को पसंद करता है इसलिए जब आपने देखा होगा टी जग का जब कल्टिवेशन करते हैं तो टी की क्रॉप के साथ बीच बीच में कुछ बड़े ट्री लगाए जाते हैं दैट प्रोवाइड देम सेड्स क्योंकि सेड्स का मतलब होता है कि टी की जो लीप्स होती है ना उन्हें मॉइस्चर बने रहना चाहिए और क्योंकि इन जगहों पर रांची और देहरादून का पॉइंट क्या था कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक ड्राई वेदर रहती है और वो छोटे से भी टाइम के लिए लॉन्ग इसपेल्स ऑफ ड्राई वेदर को ये प्लांट जो होता है टीका टॉयलेट नहीं कर पाता है सो so, ये जो गार्डन थे गवर्नमेंट के वो इकोनॉमिकली नॉन प्रॉफिटेबल मतलब कि जो कॉस्ट आई डेवलप करने की वो ज़्यादा थी बट वहाँ जो टीका प्रोडक्शन हुआ उससे जो अर्निंग हुई गवर्नमेंट को वो कम हुई एज ए रिजल्ट ऑफ़ दैट ये स्कीम जो थी गवर्नमेंट की फेल हो गई तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि वहाँ पर टीका जो प्लांट होता है दैट इज सेड लविंग आपने देखा होगा कि सेट के टीके प्लांट के साथ बहुत सारे लेगुमिनस जो क्रॉप्स होती हैं उनके प्लांट को एज ए मिक्स क्रॉपिंग के फार्म में कल्टिवेट किया जाता है ठीक है भाई तो सबसे मेन रीज़न यही था कि जो टी का प्लांट होता है वो किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राई वेड को टॉलेट नहीं कर सकता सो दे फेल्ड तो करेक्ट आंसर आपका ए क्वेश्चन नंबर फोर में हम बात करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट हमें केवल ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये सभी ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है भाई तो पहला है कि इंस्टेंट या पाउडर्ड ब्लैक टी एक अपने आप में एक ब्रांड है पाउडर्ड ब्लैक टी या इंस्टेंट ब्लैक टी इट यूज इन म्यांमार थाईलैंड एंड चाइना सेकेंड कह रहा है कि टी लिप्स पिकल्ड जैसे अचार नहीं पड़ता इस तरीके से टी लिप्स की पिकल्ड करा जाता है एंड प्रोडक्ट जो इनका बनता है उसे हम कहते हैं लेपिडसो या फिर मियांग दूसरी कंट्री में होता है या दूसरे स्टेट्स में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम टी कंटेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड निकोटेनिक एसिड नियासिन जो विटामिन होती है इस और आलाप दिया तो गई यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका डी सही है क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स हैं टी के बारे में वो सभी सही है कि पाउडर पा। ब्लैक टी का जो इस्तेमाल होता है वो म्यांमार थाईलैंड चाइना में होता है और टी लिप जो होती हैं अचार इनका पिकल्ड एंड प्रोडक्ट उसे मियाँ गया लेपिड्सो बोलते हैं और टी के अंदर जो विटामिन होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड निकोटिनिक एसिड होता है तो सभी स्टेटमेंट सही है गाइज करेक्ट आंसर डी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम बात करेंगे कि इन विच ऑ अव दॉइंग इज इन करेक्ट अबाउट द टी कल्टिवेशन देखिए टी कल्टिवेशन के बारे में हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टी के प्लांट के कल्टिवेशन के दौरान उसे मॉइस्चर रेनफॉल टम्परेचर और दूसरी सॉइल का टाइप ये सब होता है कल्टिवेशन के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट बनते हैं उसमें पहला पॉइंट है कि इट ग्रो इन नियरली आल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिक मतलब समझ रहा है ट्वेंटी वन टू थर्टी टू मतलब थोड़ा सा हार्ट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं एंड माउंटेन रीजन आर द ट्रॉपिक और ट्रॉपिक्स के ही माउंटेन रीजन पर ये कल्टिवेट की जाती है एनुअल रेनफॉल जैसे वन फिफ्टी सेंटीमीटर के बेंड ब्रेक्स बेंड ब्रेक का मतलब होता तो है इसके जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पे कल्टिवेट किया उसके चारों तरफ एक बड़े जो ट्रीज होती हैं जैसे इक्लिप्टिस या दूसरी ट्री एक बेंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट है जो हवाएं आती हैं उन्हें रोक सकें उनके लिए बाउंड्री तैयार की जाती है तो बिंड ब्रेक का मतलब इस्तेमाल भी करा जाता जो है जो कि इंपॉर्टेंट या यूजफुल फॉर दी गुड टील्ड इसके बाद आता है टी इज ए सन लविंग प्लांट टी जो है वो सन लविंग प्लांट है इसके अभी हमने बताया कि टी जो है सेड लविंग प्लांट है गाइज तो यहीं पे क्लियर हो गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइज यही होगा कि टी जो है वो सेड लविंग प्लांट है ना कि सन लविंग प्लांट है इसके बाद क्वेश्चन ए भी हम देख लेते हैं ऑप्शन ई भी है इसमें कि एसिडिक आयल जो इसका पी एच टू सिक्स होता है और रिच इन ह्यूमस कंसिडर गुड फॉर कल्टिवेशन गाइज तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा भी होता है और बेंड ब्रेक भी काफ़ी कामयाब चीज़ है इसकी ईल्द बढ़ाने के लिए रेनफॉल बंस फिफ्टी सेंटीमीटर चाहिए होती है और सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल माउंटेनिन एरिया में टी ग्रो करी जाती है बट जो स्टेटमेंट है कि टी इज ए सन लविंग प्लांट इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट सो इट इज़ इन करेक्ट वन करेक्ट आंसर होता गा इज डी क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गा जो भी हमने बताया था कि शेड लविंग और सन लविंग वाला कंसप्ट टी का जो प्लांट है वो शेड लविंग है मतलब छाया को पसंद करता है इसी रिगार्ड में एक क्वेश्चन आ गया टी इज ए शेड लविंग प्लांट एंड शोज मोर ग्रोथ बेगर ग्रोथल ग्रोथ हो कहते हैं बहुत रैपिड ग्रोथ अंडर पार्शियल शेड प्रोवाइडेड बाई लेग मतलब लेग्यूनस का मतलब लेग्यूनस प्लांट के साथ जब टीका कल्टीवेशन करते हैं तो लेग्यूमिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो टीके कंपनी में ज़्यादा होती है और बड़े प्लांट हो जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सेड प्रोवाइड करते हैं इससे रिजल्ट क्या होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन बिच अदी फॉलोइंग ट्री इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर अब ऑप्शन क्वेश्चन ये कहा गया है कि नीचे जो तो चार प्लांट थे उसमें से कौन सा प्लांट इस काम के लिए सुटेबल नहीं कहने मतलब कि सेड लविंग प्लांट जो होता है टीको सेड प्रोवाइड नहीं करता है तो ऑलरेडी इसमें बात बोली गई कि लेग्युमिलस प्लांट्स ये काम करते हैं अब हमें ये पता करना है कि नीचे दिए गए चार प्लांट में से लेग्युमलस प्लांट कौन सा नहीं है सिंपल हमारा आंसर बाहर आ जाएगा तो अल्बीजिया प्रोसेरा गाइज एक लेग्युमिनस प्लांट है डेलवर्जिया आपने सुना होगा वो भी एक लेग्युमिनस प्लांट्स है गिल सेप, सेपियम वो भी एक लेग्युनस प्लांट है जिया में जिसे बोलते हैं मक्का गाइज मक्का जो है एक सीरियल प्लांट है जो हमारा धान गेहूँ जिस फैमिली में आता है ग्रेमनी उसका मेम्बर है सो जिया मेज इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस एक्ट या दिस फंक्शन दैट कैन प्रोवाइड सेड फॉर द टी प्लांट जो करेक्ट आंसर का यहाँ पे होता है डी कि जो जिया मेज है मक्का का पौधा वो टी के साथ एज ए मिक्स क्रॉपिक में यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि दिस फंक्शन इज कैरियड आउट बाई दी ओनली लेग्यूमिनस प्लांट तो आउट ऑफ दिस फोर प्लांट दैट गिवन इन द क्वेश्चन ओनली जिया मेज बिलोंग टू तो दी ग्रेमली फैमिली मतलब मेज अनाज है बाकी तीन प्लाट एलविजिया डलविजिया एंड गज आर लेग्यूमिनस प्लांट तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे डी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर पे बोस्टन टी पार्टी इज़ कंसीडर्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ टी देखिए एक घटना है ये बोस्टन टी पार्टी इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ टी ठीक है किस एस्पेक्ट से मतलब इसका संबंध है ये घटना हुई थी 16 दिसंबर सत्रह सौ तिहत्तर बहुत पुरानी घटना है तो ये घटना जो थी गई ट्रेड से रिलेटेड थी कॉमर्शलाइजेशन से रिलेटेड थी टैक्सेशन से रिलेसन थी या कम्पेजन विद भी अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज लाइक कोका एंड कॉफी से कंपेयर करी गई थी तो क्या बोस्टन टी पार्टी जो थी वो आपके टैक्स से रिलेटेड थी क्योंकि इस पर एक टैक्स लगाया गया था जो इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर तो उसमें क्या होता है कि सिप में ये बहुत सारा मटेरियल जा रहा था टैक्स की वजह से जो होता नहीं कि टैक्स वाले लोग जो ऑफिसर थे उन्हें से चेक किया तो जो लोग ट्रेडर थे उन्होंने क्या करा इस टी को समुद्र में डाल दिया था और वो अपने टैक्स इस टैक्स की टैक्स ज़्यादा था और अमाउंट जो था प्रोडक्ट का वो कम था तो इसे जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी और ये घटना बहुत बड़ी वहाँ की इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस्पेशली ये जो घटना हुई है गाई ये नॉर्थ अमेरिका में हुई थी ये भी क्वेश्चन नीचे देखिए बिच प्लेस इज कंसर्न विद बोस्टन टी पार्टी बोस्टन टी पार्टी कहाँ पर हुई थी गाइज ये थी नॉर्थ अमेरिका की इसका संबंध है नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन नंबर नाइन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट वन अबाउट द टी अब देखिए इसमें वही बात कर रहा है कि इन करेक्ट वन टी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है हमें ये बात बताना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर नाइन से इंडियन टी हैविंग मोर टेनिस दैन चाइनीज टी बहुत ही ज़्यादा मतलब इन रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द टी अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं इंडियन टी में जो टेनिंग का कंसनट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ वेराइटीज़ सेकेंड ऑप्शन है कि चाइनीज टी नोन फॉर इट डेलीकेसी सो इट इज़ द फेवरेट ड्रिंक फॉर पर्सन विद डेलीकेट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर होता है उन लोगों के लिए चाइना वाली टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ये स्टेटमेंट अभी बताएंगे कौन सा ये कौन सा कर लगा पहले पढ़ते हैं सबको इकोनॉमिक लाइफ ऑफ चाइना टी इज़ हंड्रेड ईयर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब चाइना टी की जो लाइफ है इकोनॉमिक लाइफ वो हंड्रेड ईयरस है जबकि जो अपनी इंडियन आसान टी है उसकी लाइफ टी चालीस साल है इसके बाद टैनिन एंड कैफिन इज मोर इन ब्लैक टी देन ग्रीन टी टैनिन और कैफिन इज मोर इन ब्लैक टी देन ग्रीन टी ये स्टेटमेंट देखें गाइज तो जो इन करेक्ट स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है गाइज देखिए क्वेश्चन में इन करेक्ट स्टेटमेंट तो इन करेक्ट स्टेटमेंट गाइज इसमें है आपका लास्ट स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है आप क्लियर करिए देखिए ब्लैक टी में फर्मेंटेशन पूरा फर्मेंटेशन के बाद जो टैनिन और कैफिन होती है इनकी कंसल्टेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है और ग्रीन टी में ये हम फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं बहुत ही नाम मात्र को मतलब लेस फर्मेंटेशन होता है तो जो कैफीन और टैनिन होती है इनकी कंसनट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है अब इसमें कह क्या रहा है उल्टी बात कह रहा है कि टैनिन एंड कैफीन इज़ मोर इन ब्लैक टी ब्लैक टी में कम होती हैं जबकि ग्रीन टी में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यही उल्टा स्टेटमेंट कर दिया कि इसका सही सेंटेंस ये बनेगा टैनिन एंड कैफिन इज़ मोर इन ग्रीन टी देन ब्लैक टी बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं गाइज़ वो बिल्कुल सही हैं कि इंडियन टी में टैनिन की कि जो क्वालिटी क्वान्टिटी होती है जो अमाउंट होता है वो चाइनीज से ज़्यादा होता है और चाइना की टी काफ़ी डेलीकेसी मानी जाती है मतलब सॉफ्ट मानी जाती है एज कम्पेयर टू आपकी इंडियन टी क्योंकि सो इट इज़ फेवरेट फॉर दी जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होते हैं उन लोगों के लिए ये टी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है अच्छी है सुटेबल है और इस जो इकोनॉमिक लाइफ है अगर चाइना टी की वो इंडियन टी से बहुत ज़्यादा है इसकी हंड्रेड ईयर्स होती है जबकि इकोनॉमिक लाइफ आसाम टी केवल फोर्टी ईयर्स है तो ये स्टेटमेंट ठीक है बट स्टेटमेंट जो ई है मतलब लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट की टेन इन इन कैफिन इज़ मोर इन ब्लैक टी देन ग्रीन टी इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट का तो करेक्ट आंसर होता है ई अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में कि काफ़ी बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होगा ये देखिए टी का जो प्लांट होता है उसमें कुछ टी बनाई जाती है कुछ वेरायटी जो होती है टी की केवल अपर पार्ट से एक ऊपर की लीव्स कभी दो सेकंड लीव्स कोई थर्ड लीव से टी बनाई जाती है कभी कभी तो हम बर्ड्स से उसकी मतलब टी बनाते हैं जैसे आपने वाइट टी सुनी होगी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है होती, guys, वो केवल बर्ड्स होती हैं और पहली लीव्स होती है इसी तरीके से जो बेकार की लीफ होती है मतलब फिफ्थ लीफ भी कभी कभी टी बनाने में यूज़ करी जाती है इसका मतलब हुआ कि काफ़ी लार्ज काफ़ी ओल्ड टाइप की हम अगर लीफ से टी बनाते हैं तो ये बहुत बेकार क्वालिटी की टी तैयार होती है तो इसी तरीके से टी के प्लांट में डिफरेंट लीप्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई जैसे पहली लीफ को क्या कहेंगे दूसरी लीफ को क्या कहेंगे तीसरी लीफ को क्या कहेंगे और हम पाँचवीं लीप भी अगर कभी यूज़ कर रहे तो उसे हम क्या कहेंगे तो देखिए गैस उसमें पहला है कुछ ऑरेंज पोके पोएके पोए के स्कोचे कॉन्गू ये टर्म्स हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसा लिखा है जो जिसके सामने वही करेक्ट है बाहिकेक्टाइज और इसी तरीके से जैसे एक नई लीफ होती है उसमें टेनिन कंसनट्रेशन डिफरेंट होती है एक पुरानी लीफ होती है उसमें टेनिन कंसनट्रेशन डिफरेंट होती है और टेनिन भी गाइज पॉलीफिनस का एक मॉडिफाइड वर्जन है और पॉलीफिनस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट एंटी कार्सिनोजेनिक एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस माने जाते हैं और वेरी बेनिफिशियल फॉर दी टी ड्रंकर्स ठीक है और हमारे हेल्थ के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं तो इसमें जो ऑरेंज पोके जो होता है वो गई पहली जो स्मॉलेस्ट लिप्स होती हैं उनके लिए कहा जाता है सबसे छोटी लिप्स अगर हम चाय बनाएंगे तो उस चाय का ब्रांड कुछ का नाम एक स्पेशल होगा और उस लीफ को हम क्या कहेंगे जो स्मॉलेस्ट लिप्स है ऑरेंज पोयके अब पोएके टर्म्स होता है सेकेंड लिप्स के लिए इस तरीके से पोएके स्कूचिंग होता है थर्ड लिप्स के लिए इन्हें ध्यान रखना है सबसे स्मालेस्ट का मतलब फर्स्ट लिप्स फिर सेकेंड लिप्स के लिए पोएके थर्ड लीफ के लिए पोय के स्कोचिंग और कभी कभी हम फिफ्थ लीफ भी जो प्लांट की होती है नीचे की तरफ की उसे भी हम टी के फार्मेशन या टी बनाने के लिए यूज करते हैं देन देन इट इज़ नोन एज कांगो तो ये ध्यान रखना है कि फिफ्थ लीफ अगर हम टी बनाने में यूज करते हैं दैट नोन एज कांगो तो करेक्ट आंसर गाइज होता है आपका ए क्वेश्चन नंबर इलेवन काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन गायज कि जो चाय में कड़वा बन होता है बिटरनेस उसकी एक्सटेंजेंसी जो होती है कड़वाहट वो किसकी वजह से होती है थियोफाइलिन जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाने वाला क्लॉइड्स है थीन टेनिन थियोल तो वैसे जो बिटरनेस होती है आपको पता है वो डिफरेंट टाइप के हमने बताया था पॉलीफिन टेनिन भी एक टाइप का पॉलीफिन्स है और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिटरनेस और इसकी एस्टेंसी वो टेनिन की वजह से होती है इस। इसके बाद देखिए अरोमा एंड फ्लेवर जो खुशबू आती है टी में वो किस वजह से होती है आपको पता है टी में सब जितने जो ये सबस्टेंस होते हैं हमारे टी इसमें जो ये जो अरोमा इसकी जो फ्लेवर होती है वो इसके जो इसेंशियल आयल इसमें पाया जाता है उसकी वजह से होती है अब टी में जो सेंसियल आयल पाया जाता है उसका नाम होता है आपका थियोल तो इसकी वजह से होती है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में भी इसी तरीके क्वेश्चन किया गया है कि जो डिस्टिंगटिव करेक्टर्स होते हैं किसी भी बेवरेज के मतलब चाहे कॉफी हो चाहे कोका हो चाहे टी हो वो आपकी किसकी वजह से होते हैं इसेंशियल आयल एल्कोलाइड फ्रैक्शन जो पॉलीफिन जोटेरस आलाफ देवाइस तो ये तीनों ही चीज़ें मिलकर बना हैं हर एक इसमें जो आपके नॉन अल्कोहलिक बेबरेज होते हैं उनमें ऑयल भी होता है एल्कोराइड फ्रैक्शन भी होता है और पॉलिफिन भी होते हैं इन फॉर्म ऑफ टैनिस तो करेक्ट स्टेटमेंट गाइज डी ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिस्टिंगटिव करेक्टर्स टू द बेवरेज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हम बात करते हैं कि इन बीच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रिक टी देखिए ब्रिक टी हमने बताया जो बेकार की टी नहीं होती है उसके लिए कहा जाता है सबसे बेकार क्वालिटी की टी होती है उसे कहते हैं ब्रिक टी जो गिरने जो टी की जब प्रोसेसिंग करते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड बन जाते हैं जब ब्लैक टी वाइट टी उसके बाद जो बेकार की टी जमीन में गिर जाती है डू दी प्रोसेसिंग उस टी से हमको कहते हैं ब्रिक टी तो ये सबसे बेस्ट एंड लीस्ट एंड पुअर क्वालिटी की टी होती है बिल्कुल सही बात है और मोस्टली कंज्यूमड इन तिब्बत तिब्बत में कंज्यूम करी जाती है इसके बाद इट मेड फ्रॉम द बेस्ट लेफ्ट आफ्टर मेड फ्राम ब्लैक एंड ग्रीन टी के बनने के दौरान ये जो मटेरियल बचता है लेफ्ट मटेरियल उससे बनती है इट कंसिस्ट ऑफ लीफ स्टॉक इवन ट्विंग्स मतलब कुछ भी मिल जाए उससे जो भी टी का पूरे प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे लीफ हो गया उसका स्टॉक हो गया इवन ट्विंग्स हो गई तो उससे भी बन सकता है तो ये फोर्टी का ऑप्शन जो है आपका ई सही है जो भी स्टेटमेंट है अबाउट द ब्रिक टी आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हम बात कर करते हैं कि ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वन रिगार्डिंग द टी देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही टी के बारे में क्वेश्चन है टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में टी इज प्राइमरली कंज्यूम्ड फॉर इट थियोन कंटेंट मतलब थियोन कंटेंट के लिए हम टी को मतलब पीते हैं उसके ड्रिंकिंग करते हैं ग्रीन टी इज कैंटेड विद दलॉसम्स ऑफ द जैस्मिन समबैग एक प्लांट होता गाइन जैस्मोनियम समबैग का जो कि फैमिली ओलेसी को बिलोंग करता है उसे टी के साथ मिलाते हैं ग्रीन टी में स्पेशली उसका फ्लेवर दिया जाता है यह बात सही ब्लॉसम का मतलब होता है उसके अनफ्लावर्ड बर्ड्स क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन सी में बोला गया टी पिकर जो होते टी को तोड़ने वाले जो मज़दूर होते हैं जो औरतें स्पेशली फीमेल्स होती हैं बियर सेड हेट वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा टोपा लगाती हैं मतलब सिर पे हाइट लगाती हैं क्युं? क्यों क्योंकि उसकी सेड की वजह से जो हम लीफ की वो बेदरिंग कर रहे हैं मतलब लीफ को जो हम तोड़ रहे हैं ना उस पर ज़्यादा ज़्यादा धूप ना आ जाए सनलाइट ना आ जाए जिससे कि वो छू मतलब सूखने के बाद बिदर धोने के बाद बिदर गिर ना जाए तो ये सही बात है कि ऐसा होता है जो बर्कर्स होते हैं वो एक बड़ा सा हाइट लगाते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं टी को तोड़ते टाइम उसे सेट uh, प्रोवाइड कर सकें छाया ऑप्शन uh, डी कह रहा है कि मोस्ट टी ब्रांड्स आर मिक्सचर ऑफ दैट कम्बाइन द ऑफ डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रोइंग एरियाज बिल्कुल सही बात है जो हमारे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड टी के हैं वो कहीं कही ना कहीं बहुत सारी टी के की हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द इंडिया ग्रो करो उन सबको मिक्स करके हम एक कंबाइंड टेस्ट क्रिएट करते हैं और वही हमारे मोस्टली ब्रांड में ऐसा ही होता है कोई पार्टिकुलर मतलब ब्रांड जैसे कहते हैं ना वैसा नहीं होता बल्कि बहुत सारी जगहों पर टी ग्रो करने चाइना कि आसाम की दार्जिलिंग की और आपकी तमिलनाडु की टी उन सब का मिक्सर होता है जो ब्रांड्स मार्केट में होते हैं ये भी बात बिल्कुल सही गई जो करेक्ट स्टेटमेंट आपका होता है ई और इससे पहले वाले स्टेटमेंट ए बी सी सभी सही हैं कि हम चाय को मेनली जो थीन कंटेंट होता है उसके लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ और ग्रीन टी के लिए बात करें ग्रीन टी में जो खुशबू आती है उसकी वजह एक जैसमिन सेम्बैक प्लांट होता है जो फैमिली ओल को बिलोंग करता है और टी पिकर जो होते हैं वो एक अपने सिर पर बहुत बड़ा सा हेड पहने रहते हैं जिससे कि वो सेट प्रोवाइड कर सकें टू प्रिवेंट प्री दीमेचुर वेदरिंग ऑफ दी लिप्स और जो मोस्ट ब्रांड है मार्केट में वो बहुत सारे के जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इंडिया में ग्रो करने वाली उनका मिक्सचर्स होती हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हम बात करते हैं सॉरी सिक्सटीन में कि वट इज ट्रू अबाउट द गोल्डन टिप्स आर फिंगर ग्रेट टी ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है इसमें कि गोल्डन टिप्स क्या होते हैं या फिंगर ग्रेड टी क्या होते हैं देखिए फिंगर ग्रेड टी से तो मालूम चल रहा है कि इट इज़ डिस्कशन अबाउट द टी बट गोल्डन टिप्स से हमें यह नहीं मालूम चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि गोल्डन टिप्स का जो संबंध है वो है टी के साथ अब बात करते हैं कि इट इज़ आफ्टन फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड एंड फर्स्ट टू लिप्स ऑनली ऑफ द यंग सूट देखिए कितनी अच्छी बात इसमें बोला गया है कि जो गोल्डन टिप्स वाली चाय का जो ब्रांड है उसमें केवल हम टर्मिनल बर्ड्स लेते हैं और जो सबसे ही नई मतलब जो ब्रांच निकलती है प्लांट में उसकी केवल पहली दो लीप्स होती हैं ठीक है गाई? उनसे जो चाय बनाते हैं उनसे जो पत्ती तैयार करी जाती है चाय की मतलब जो ब्रांड या जो चाय का जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं गोल्डन टिप्स आर फिंगर ग्रेड टी दूसरा स्टेटमेंट है कि टर्मिनल बर्थस जो होती हैं वो रिच इन टैनिन 28 परसेंट टेनिन कंटेंट होता है टैनिन का मतलब पॉलिफिन दैट आर बेनिफिशियल फॉर आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मोस्ट वैल्यूड इन ट्रेड और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो काफ़ी पैसे मतलब प्राइज्ड होती हैं इसके बाद थर्ड है टर्मिनल बट आल्सो हैज़ हाई कैफीन उसमें कैफीन की कंसनटेशन भी ज़्यादा होती है ऑल ऑफ गाइस तो करेक्ट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में डी अब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में बात करते हैं कि इनमें ज्यादा फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी फिर वही बात है कि टी के बारे में फिर सही स्टेटमेंट देखना है कौन सा है देखिए जिसके रिप्रोडक्शन बिहेवियर के बारे में है कि टी का जो हम प्लांट लगाते हैं वो सीड के थ्रू पहले नर्सरी बनाते हैं फिर हम उसे फील्ड में ले जाते हैं ये बिल्कुल सही है कि सीड्स के थ्रू हम मतलब सीड को ग्रो करते हैं नर्सरी में जैसे आपने राइस को देखा होगा पहले हम राइस धान को बाटते हैं नर्सरी में नर्सरी से फिर हम सीड लगाते हैं इसका मतलब हम इसकी जो कल्टिवेशन होता है वो सीड के थ्रू होता है ऐसा नहीं कि हम प्लांट का कोई पार्ट काट के लगा दें अपने फील्ड में उससे नया टीका प्लांट निकला है दिस इज नॉट फेयर हम सीड्स के थ्रू टीका कल्टिवेशन करते हैं दूसरा पॉइंट है रेगुलर प्रोनिंग ऑफ द प्लांट केप्ड बुसी गुड फॉर इंड रेगुलर प्लोनिंग का मतलब होता है कि छटाई करते रहना कटिंग करते रहना उसकी जिससे क्या होता है प्लांट बुजी मतलब झबरा जैसे बोलना चाहिए हिंदी में काफ़ी टाइप की उसमें मतलब लीव्स का उतनी ही ज़्यादा लीव्स का फार्मेशन होगा और लीव्स का फार्मेशन का मतलब उसमें टी का फार्मेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब गुड फॉर इल्ड ये स्टेटमेंट सही है हारवेस्टिंग मतलब प्लकिंग पिल्किंग हम लीव को तोड़ना ठीक है लीव्स का तोड़ना ही यहाँ पे प्लकिंग है मतलब भाई हारवेस्टिंग है मोस्ट इम्पॉटेंट ऑपरेशन ऑफ द टी इंडस्ट्री बिल्कुल सही बात है टी के प्लांट से टी को प्लग करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसमें ही बहुत क्रिएटिविटी होती है क्योंकि पहली लीव्स लेना दूसरी लीव्स लेना बर्ड्स लेना और लास्ट फाइव लीव्स तक हम टी का फार्मेशन कर सकते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ये होता है हार्वेस्टिंग मतलब प्लकिंग प्लगिंग पत्तों को तोड़ना लीफ की जैसे कि टी तैयार कर सके तो इसमें भी गई करेक्ट ऑप्शन होता है आपका डी क्वेश्चन नंबर एटीन में है कि ट्रू स्टेटमेंट हमें इसमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है पहला है कि आसाम वैरायटी हैज मोर कैफीन एंड पॉलीफिनिक कंटेंट देन चाइना बिल्कुल सही है पहले भी बात आ चुकी है इंडियन टी आसाम टी की बात है इसमें जा हमारी जो टी होती है इंडिया की उसमें कैफीन और पॉलिफिनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दाइना दूसरा स्टेटमेंट है कि थीन जो उसके अंदर एक अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है चाय में टी में वो स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग एल्कोलाइड है फाउंड इन फ्रेसलिन जो कि बोले कि फ्रेसलिक में होता है थर्ड है कि थियोफाइलिन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी अनदर अन्कोलाइड दैट नोन एज थियोफाइलिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है थीन की कंसस्ट्रेशन ज़्यादा सही होती है इसके बाद थीन इज आइडेंटिकल टू तो कैफीन कैफ थीन और कैफीन जो है एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं आ लव दी में तो गाइज ये भी सही है कि आ लव सभी बातें सही है अबाउट द टी आर स्टेटमेंट आर ट्रू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में हम बात करते हैं कि फॉलोइंग ट्रू अबाउट दी ब्लैक टी अब यहाँ पर क्वेश्चन आया ब्लैक टी ब्लैक टी के बारे में हम बता दें ब्लैक टी फुल्ली फर्मेंटेड टी होती है दूसरा हमारा प्यारा भारत ब्लैक टी के केस में इन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स है ओवरऑल टी के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है मगर मतलब ब्लैक टी के प्रोडक्शन में इंडिया इज़ द फर्स्ट अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट इसके बारे में फ्रेशली पिक्ड सूट्स स्प्रेड आउट ऑन द जूट एसियंस या फिर नायलोन सीट टू परमिट बिल्टिंग कहने का मतलब है जब हम लीफ की मतलब बिल्कुल फ्रेश लिप तोड़ते हैं तो उन्हें हम किसके ऊपर मतलब मतलब उन्हें रखते हैं जूट की एक चादर के ऊपर या नायलोन की सीट के ऊपर इससे क्या होता है वो परमिट करते हैं बिल्टिंग बिल्टिंग जिससे अब हम मुरझा जाए ये बिल्कुल सही बात है दूसरा है फर्मेंटेशन कैरीड आउट इन स्पेशल हाउसेस फर्मेंटेशन के लिए स्पेशल हाउसेज होते हैं जिनमें टम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड एयर का सर्कुलेशन जो होता है वो रेगुलेट करते हैं बिल्कुल सही बात है केमिकल प्रोसेस है तो उसमें तीनों चीजें रेगुलेट करना पड़ती हैं थर्ड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड फायरिंग फर्मेंटेड लिप्स एक्सपोज टू ए करेंट ऑफ हॉट एयर मतलब एक जब हम ड्राइंग करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम उस बॉक्सेज में हंड्रेड नाइन्टी टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड की जो गर्म हवा की जो बहाव होता है उसे पास करते हैं बीस से पच्चीस मिनट तक स्टेप को कहा जाता है ड्राइंग या फायरिंग और डी ऑप्शन है कि थियाफ्लेबिन जो एक टाइप के पॉलीफिनस का मॉडिफाइड वर्जन से स्पेशली ब्लैक टी में पाए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइटनेस ऑफ लिकॉर्ड जो मतलब चमक आती है जब हम चाय बनाते हैं उसमें चाय में जो चमक होती है वो थिया फ्लेबेंस की बजट से होती दैट इज ए मॉडिफाइड या कन्वर्टेड पॉलीफिन होते हैं और करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ई तो गाइज यहाँ पे भी ऑप्शन सभी बातें सही हैं ये ऑप्शन इज करेक्ट ये क्वेश्चन जितने भी गाइज मैंने बनाए ये सब आपकी इन्फॉमेसन को रिचमेंट है अबाउट द टी तो इसे आप क्वेश्चन के फॉर्म में लें इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन होने के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे कि आपको बहुत ओवरऑल एनी आस्पेक्ट ऑफ द टी इन्फॉर्मेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बात करते हैं वाट इज ट्रू अबाउट दी आसाम टी अब स्पेशली आसाम टी की बात कर रहे हैं फास्ट ग्रोइंग सिंगल स्टेम टी ट्री अपोजिट टू चाइना मल्टी स्टेम ट्री देखिए चाइना की जो टी होती है चाइना की होगी चाइना की टी के प्लांट में कई सारे स्टेम निकलते हैं जबकि जो अपनी इंडिया की है वो तेज से ग्रो करती है मगर मतलब उसमें स्टेम सिंगल होता है तो इसका मतलब हमारी यील्ड कैसी होगी कम होगी इसलिए चाइना नंबर एक पे हम नंबर दो पे हैं दूसरा यील्ड इज ग्रेटर देन चाइनीज वैरायटी उस पार्टिकुलर की जो यील्ड है मतलब वो यील्ड भी ज़्यादा है हमारे यहाँ की ये भी इंपॉर्टेंट मगर चाइना में जो फाइनल एक्सपोर्ट का है एरिया है दूसरी वैरायटी ग्रो करती है उस पार्टिकुलर जो आसाम टीके अगर हम बात करें उसकी जो ईल्ड है वो चाइना की वैरायटी से ज़्यादा होती है ये बात भी ठीक है मगर फिर भी हम हैं सेकेंड नंबर पर ओवरऑल टी के मतलब एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड चाइना दोनों बातों में चाइना फर्स्ट पर मगर हमारी जो वराइटीज़ है वो सिंगल स्टेम्ड है और चाइना की मल्टी स्टेम्ड है हमारी ईल्ड चाइना की वैरायटी से ज़्यादा है ठीक है इसके बाद जो हमारे फ्लावर्स आते हैं टी पे वो ग्रुप में आते हैं आसाम वराइटी में जो ग्रुप में दो या चार के ग्रुप में फ्लावर जबकि चाइना के जो फ्लावर्स आते हैं चाइना टी में वो सिंगल फ्लावर आता है एक फ्लावर एक उस पर आता है इसके बाद लिप्स आर मच लार्जर हमारी जो लिप्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं जबकि चाइना की सॉरी हम हमें कंपेयर नहीं करा है हमारी लिप्स है, होती हैं चौड़ी होती हैं मच लार्जर विद ए ग्लोसी मतलब चिकनी सी विद ए ब्लेट अपर सरफेस इसके बाद आसाम टी हैज मोर इकोनॉमिक लाइफ दैन चाइना टी ये स्टेटमेंट गलत है आसाम टी की जो लाइफ है वो इकोनॉमिक लाइफ वो कम है चाइना टी की ज़्यादा है हैं तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपका ई वाला है करेक्ट आंसर ही ये बात गलत है लास्ट ऑप्शन में अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन का कुछ टी के हम बात कर रहे हैं चार टाइप की टी और ये किन किन कंट्री में मतलब बनाई जाती है ये बताना है जैसे सबसे ज़्यादा ब्लैक टी हमारी इंडिया में क्योंकि ब्लैक टी इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया ग्रीन टी सबसे ज़्यादा बनाता है जापान और उलांग टी ये बनाता है ताइवान और ब्रिक टी बनाता है चाइना चाइना बेकार की क्वालिटी वाला टी बनाता है मतलब इसलिए उसका प्रोडक्शन में नंबर एक है मगर उसकी क्वालिटी वाला ब्रिक टी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है और ब्लैक टी जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइन्टी परसेंट जो ट्रेड होता है ब्लैक टी फॉर्म होता है और ब्लैक टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गाइज है अपना प्यारा भारत और ग्रीन टी बनाता है जापान और उलैंग टी बनाता है आपका ताइवान तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज़ ए थैंक यू वेरी मच गाइज प्लीज़ subscribe my youtube channel biology village thank you very much